Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल, जिसे आप कीबोर्ड पे अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, ये जो सेटिंग है इसमें जाना है, और आपको जाना है फिर एडिशनल सेटिंग में, ये ऑप्शन दिया हुआ है एडिशनल सेटिंग का, इसमें जाना है। फिर आपको जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट, ये जो ऑप्शन है सेकंड नंबर का, इसमें जाना है। उसके बाद आपको जाना है गूगल इंडिक कीबोर्ड में, जो ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड, इस पर ओके करना है। और फिर आपको ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है कीबोर्ड का, इसके ऊपर दबाना है, और जो इसमें फर्स्ट नंबर पे थीम्स लिखा हुआ है थीम, उसके ऊपर टैप करना है आपको, उसके ऊपर दबाना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड थीम शो होगी, ये ऑलरेडी प्रीलोडेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है अपनी इमेज लगाने के लिए, माय इमेज पे जाना है, और ये गैलरी चूज़ करनी है, और उसके बाद एल्बम्स में, और जो आपकी आप जो लेना चाहता है जिस फोल्डर में आपकी जो फ़ोटो पड़ी है उसको उसके ऊपर उसको लाना है इसमें। तो आपको उस फोल्डर को ढूंढना है और उसके फ़ोटो के ऊपर टैप करना है। तो मैं जैसे कि इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके आपके हिसाब से इस फ़ोटो को एडजस्ट कर देना है आपको, आपके हिसाब से जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहे हो उस फ़ोटो को, ऐसे जूम आउट जूम इन कर सकते हो दोनों उंगलियों से, ये ऐसे, और फिर नेक्स्ट दबाना है। और आप इसकी ओपेसिटी कितनी करना चाहते हो उसके आप चाहो तो बिल्कुल इतनी कर सकते हो, इतनी कर सकते हो, 100% तक कर सकते हो। तो मैं अभी इसकी 83 तक रखूँगा और डन करना है। फिर आप देख सकते हैं अभी ये सेट हो चुका है, जस्ट चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है डन, आप देख सकते हैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये पूरा सेट हो चुका है इसके ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।